गाइस, बहुत दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। इसका रीज़न मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं जा रहा था और आप देख भी रहे हो मेरे हालात का ख़राब। तो गाइस, एक जो चीज़ है मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, मतलब करीबन 3-4 दिनों से देख रहा हूँ कि फेसबुक में और यूट्यूब में खाली दो ही चीज़ आ रहा है। पहला ये है अपना कटहरिया भैया, उसके बाद एलविश, अभी अदनान आया है, उसके बाद फैजू। ये चारों का नाम काफ़ी दिनों से ये हो रहा है, मतलब ट्रोल हो रहा है, फिर बीच में एजाज खान आ गया। तो देखो भाई, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और सबका अपना अपने जगह सही है। अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी को जीतना है तो एज एन आर्टिस्ट मैं चाहूँगा नेजी भाई को जीतने के लिए। ये मेरा सपोर्ट है नेजी भाई के लिए। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। कटारे भैया अपनी जगह सही है, उसके बाद एलविस भाई भी सही है अपनी जगह पर, तो इन दोनों तो है। लेकिन जो इंसान अपना करियर में एक मुकाम पे पहुंच गया था, अभी पता नहीं वो कैसे क्या हो गया, फिर क्या उसके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आई, क्या हो गया, जिसके 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 ज़िंदगी में क्या बोलते उसको फिल्म बनी है गली बॉय तरह। और नेजी भाई आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, लेकिन क्या है ना, बहुत लेजी लेजी लग रहे हो। दैट नेजी भाई इक्वल टू लेजी लेजी भाई। तो मत करो भैया इसे, थोड़ा सा बिल्डअप दो। आप रैपर हो भैया, बस मेरा सपोर्ट आपके लिए है। कटरिया भैया भी जीतेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, और एलिस भाई तो है ही आपके लिए। और मैं एकदम छोटा सा यूज़र हूँ, मतलब एकदम छोटा यूज़र हूँ आप लोगों के, शायद ये बाल की बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन छोटा यूज़र होने के, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत इज्जत करता हूँ निजी भाई। आप बस हैट्स ऑफ, आपको आपका अंदर वाला जो जो जिद है ना वो नहीं चल रहा है, नहीं दिख रहा है। आप जहाँ से उठे हो ना वो दिखाओ सबको। एक इंसान क्या होता ना, मतलब आपको नहीं, बस यार निजी भाई सलूट, आपको सलूट।